हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फिन निफ्टी को एनालाइज करेंगे इंट्राडे के बेस पे। किस प्रकार का आपको एनालिसिस करना है फिन निफ्टी को लेके, कौन सा चार्ट आपको फॉलो करना है, कैसे आपको स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है और वो स्ट्राइक प्राइस का एनालिसिस आपको कौन से इंडिकेटर के बेस पे करना है, ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि जो भी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूं वो आपकी समझ आए। सो आपके सामने ये इंट्राडे स्विंग स्ट्रैटेजी मैंने लगा के रखी है। सो ये स्ट्रैटेजी जब आप इंट्राडे के बेस पे यूज करते हो किसी भी स्टॉक या फिर इंडेक्स को एनालाइज करने के लिए, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको प्रेफर करके चलना है। इसमें ऑटोमेटिकली आपको बाय सेल सिग्नल जनरेट होते हैं। तो जब कभी भी सिग्नल आते हैं तो आपको ग्रीन और रेड कलर के सिंबल्स दिखाई देंगे। जैसे कि ये सेल कॉल आप देख रहे हो, तो ये सेल कॉल आपको रेड कलर में डाउनवर्ड एरो इंडिकेट करेगा और जो बाय कॉल आता है उसमें आपको ग्रीन कलर का एरो मिलता है। सो इसका इंडिकेशन आपको बाय सेल सिग्नल्स को लेके होता है, लेकिन कौन सा कॉल कितना कंफर्म है और कितना आपको वो टारगेट देता है ये आपको कैसे पता लगता है, तो उसके लिए कुछ एडवांस इंडिकेटर्स है। जैसे कि ये वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम आपको एक बायर्स या फिर सेलर की स्ट्रेंथ दर्शाता है। और जब कोई भी वॉल्यूम ना रहे जिसको हम वेट एंड वॉच या फिर न्यूट्रल कंडीशन बोलते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ग्रे कलर डिनोकेट होता है वॉल्यूम के जगह, ठीक है। तो इस प्रकार का एनालिसिस आपको वॉल्यूम के बेस पे मिलता है। तो सेल का जब इंडिकेशन आता है तो वो कैंडल क्लोजिंग पे आपको देखना होता है, यहाँ पे जो वॉल्यूम है आपका वो रेड कलर में होना चाहिए अगर सेल कॉल को आप एनालाइज कर रहे हो, ठीक है। तो सेल कॉल के लिए आपका वॉल्यूम रेड होना चाहिए। उसके बाद बायर सेलर्स का एक कंफर्मेशन जोन यहाँ पे मिलेगा, जिसमें जो इनर मोस्ट रेक्टेंगल्स है जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये मैक्सिमम आपके रेड में होनी चाहिए। उसके बाद जो बायर सेलर्स की स्ट्रेंथ है ये भी आपकी रेड में होनी चाहिए। तो ये कंफर्मेशन जब कोई भी कॉल फॉलो करता है तो वो कॉल परफेक्ट माना जाता है और वो परफेक्टली आपको टारगेट्स दे जाता है। तो फिन निफ्टी फ्यूचर की बात करें तो ये सेल का कॉल जनरेट हुआ था हमें आज है 16th of May। तो इस दिन आपका सेलिंग का एक परफेक्ट कॉल यहाँ पे जनरेशन हुआ 15 मिनट के बेस पे, और जो रेट यहाँ पे था 19526 का, ठीक है। सो इस सेल के बेस पे मैंने जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया 19500 का पुट मैंने सिलेक्ट किया। और जब किसी भी स्ट्राइक प्राइस को आप एनालाइज करते हो तो ये ऑप्शन एक स्ट्रैटेजी हम प्रेफर करते हैं उसको एनालाइज करने के लिए, उसमें ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। सो ट्रेड फाइंड आउट करना मतलब जहाँ पे भी सिग्नल जनरेट होता है वो आपको ये स्ट्रैटेजी ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करवाती है। सो जब स्ट्रैटेजी कॉल कोई भी आपको जनरेट करके देती है तो आपको उसका एनालिसिस करना होता है कि कितना कॉल कंफर्म है और कहाँ तक वो आपको टारगेट दे सकता है। तो इसका डिटेल आपको तब पता चलेगा जब आप उस कॉल को एनालाइज करो। तो जब किसी भी कॉल को आप एनालिसिस करते हो तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया हम आपको बताते हैं। तो जो क्राइटेरिया अगर कॉल फॉलो करता है तो वो परफेक्टली आपको फर्स्ट टारगेट दे जाता है। तो आइए क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। तो जिस भी कैंडल पे कॉल जनरेट होता है हमारा जो एंट्री बनेगा एंड ऑफ द कैंडल बनेगा, एंड ऑफ द कैंडल पे हमारा व्यू होना चाहिए, नीचे जो वॉल्यूम है अपना वो ग्रीन होना चाहिए। सेकंड थिंग, जो बायर सेलर्स का परसेंटेज है वो कैंडल के ऊपर वो आपके मैक्सिमम होने चाहिए। जैसे आप इस कॉल में देख पा रहे हो 80% बायर्स है, ठीक है, तो ये एक परफेक्ट कॉल रहा। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग आपको देखनी होती है स्टॉप लॉस लाइन, जो व्हाइट कलर की लाइन यहाँ पे शो कर रही है आपको, ये स्टॉप लॉस लाइन होती है। ये स्टॉप लॉस की लाइन आपकी कैंडल के नीचे होनी चाहिए जब कोई भी कॉल जनरेट हो। तो ये सारी कंडीशन जब मैच करता है कोई भी कॉल तो परफेक्टली आपको फर्स्ट टारगेट देता है, और फर्स्ट टारगेट आपका होता है 10% का। अगर फिन निफ्टी की बात करें तो कंपेरेटिव निफ्टी या बैंक निफ्टी इंडेक्स, फिन निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस को लेकर जो एक्यूरेसी आपको ये सॉफ्टवेयर देगा वो अराउंड 80-90% होता है। वही अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्यूरेसी बात करें तो आपको 90-95% मिल जाती है फर्स्ट टारगेट के बेस पे। सो इस तरह का एनालिसिस आप अगर करते हो ये स्ट्रैटेजी को लेके तो परफेक्टली आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। सो आज पूरे दिन की बात करें तो जो आपको ट्रेड इस स्ट्रैटेजी में मिले थे 19500 के पुट में फिन निफ्टी में, वो टोटल 3 ट्रेड आपको मिले। सो फर्स्ट ट्रेड था जो आया था 37.55 के रेट से, और फर्स्ट टारगेट इसका था 41 का जो कि 10% होता है, और इजीली इसने आपको टारगेट्स अचीव करवा दिए। और जो हाई इसने लगाया 46 का, ठीक है।
सेकेंड कॉल जनरेट हुआ था आपका, जो आया था 29 रुपीज़ पे, और इसने भी आपको 3 टारगेट दिए। थर्ड टारगेट था 44 का, ठीक है। तो सेकेंड भी आपको परफेक्टली टारगेट दे गया, और थर्ड टारगेट आप देख सकते हो यहाँ पे, जो लास्ट कॉल आया था वो आपको तीनों भी टारगेट अगेन दे गया, और जो हाई इसने आपको दिया वो अराउंड 67.25 का। तो इस तरह से ये परफेक्टली वर्क करती है स्ट्रैटेजी। आप फिर निफ्टी यूज करो या फिर निफ्टी यूज करो, तो स्ट्राइक प्राइस को आपको ऑप्शन एक्स के बेस पे देखना है, और जो भी फ्यूचर होता है या फिर स्टॉक फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर होता है, वो आप इंट्राडे स्विंग जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसके बेस पे आप उसको एनालाइज करते हो। तो परफेक्टली आपको ये पूरा एनालिसिस इस स्ट्रैटेजी के बेस पे मिलता है। और फिन निफ्टी की आप अगर बात करो तो 40 की लॉट साइज होती है, तो जो मल्टीपल आप करोगे प्रॉफिट को लेके, पॉइंट्स को लेके, वो 40 के मल्टीपल में आप कर सकते हो। सो इसी तरह का एनालिसिस आप करिए ये स्ट्रैटेजी को लेके। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।